नमस्कार बच्चों, नव भारती स्टडी सर्कल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की यूनिट सेकंड का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आज अपना टॉपिक है बच्चों राज्य सरकार। देखो बच्चों, अगर हम संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद जो है आपका 153 से लेकर 167 तक जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? राज्य सरकार का देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं बच्चों, हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है? संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे देश ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और इस संसदीय शासन व्यवस्था में बच्चों शक्ति के दो केंद्र हैं, वास्तविक शासन और नाम मात्र का शासन। आप जानते हो केंद्र में भी हमने दो प्रकार के शासन की बात करी थी और वैसा ही बच्चों अपने राज्यों में है। पहला है बच्चों आपका नाम मात्र का शासन, नाम मात्र का शासन, और दूसरा है बच्चों वास्तविक शासक। आप जानते हो बच्चों केंद्र में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के नाम से समस्त देश का शासन चलता है। वैसे ही बच्चों हमारा संविधान कहता है कि जिस प्रकार केंद्र में नाम मात्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, वैसे ही राज्यों में कौन होता है बच्चों? राज्यपाल होता है। राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है, जिसके नाम से समस्त राज्य चलता है या समस्त राज्य की शासन व्यवस्था संचालित होती है। लेकिन वास्तविक रूप से उनका उपयोग जो करता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री। और आपकी कौन करती है? मुख्यमंत्री करता है और इसके अलावा संघीय कार्यपालिका का है, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है 153 से लेकर 167। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये वास्तविक रूप से उन शक्तियों का बच्चों क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब बात आती है बच्चों कि जो राज्य सरकार है उसके भी तीन अंग हैं। जो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि केंद्र सरकार के भी तीन अंग हैं, वैसे ही राज्य सरकार के भी तीन अंग हैं। पहला है बच्चों व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है बच्चों न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को यहाँ पर विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विधानमंडल कहते हैं। कार्यपालिका में यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आती है, और आपका न्यायपालिका में आपका उच्च न्यायालय आता है। तो राज्य सरकार के भी केंद्र सरकार की तरह तीन अंग है बच्चों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्यों में व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जानते हैं, जबकि केंद्र में क्या होता है? संसद होती है। वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है और यहाँ पर भी विधानमंडल के बच्चों दो अंग होते हैं, दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और यहाँ पर राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों को शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय जो आता है वो न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। राज्यों क्षेत्राधिकार में जो भी न्याय प्रदान करना है वो उच्च न्यायालय के माध्यम से किया जाता है, ठीक है बच्चों। और केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय कौन? न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन है? वहां पर है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जबकि यहाँ पर होते हैं बच्चों उच्च न्यायालय। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारी राज्य कार्यपालिका का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है आपका कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के नाम से ही समस्त राज्य का प्रशासन चलता है बच्चों। और हमारे देश का संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद
153 कहता है कि हमारे राज्यों की शासन व्यवस्था जो है उसको चलाने के लिए राज्यपाल होगा। हर राज्य का क्या होगा बच्चों? राज्यपाल होगा। उसी के नाम से समस्त राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा बच्चों। इसके अलावा अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होगा, राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होगा बच्चों, वो भी कौन होगा? राज्यपाल होगा बच्चों। और इसके अलावा अनुच्छेद 155 कहता है क्या कि राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। तो आपने देखा कि राज्य कार्यपालिका का जो मैन प्रधान होता है संविधान के अनुसार, वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के नाम से ही समस्त राज्य का प्रशासन चलता है बच्चों। लेकिन ध्यान रखना, हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है, हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था में ज्यादा पावरफुल जो है वो केंद्र को माना है। किसको माना है बच्चों? केंद्र की तरफ झुकाव है। हमारी राज्य सरकारों को उतने पावर नहीं दिए गए हैं जितने सेंटर ने अपने हाथों में ले रखे हैं। वैसे हमारा भारतीय संविधान शक्तियों का विभाजन करता है और अनुसूची 7 में अनुच्छेद 246 में है, वो क्या करता है? 3 सूचियां बना देता है। पहला है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार बच्चों राज्य सरकारों को दिया गया है। लेकिन फिर भी राज्यसभा को कहा गया है कि आप अनुच्छेद 249 के तहत किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का क्या कर सकते हो? घोषित कर सकते हो। तो राज्य सूची के विषयों पर भी ज्यादा पावरफुल है केंद्र सरकार। ठीक है बच्चों, आप संघ सूची के विषयों पर कानून बना ही रही है, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बनाती है, लेकिन गतिरोध होने पर बच्चों क्या नहीं है? गतिरोध होने पर केंद्र सरकार के निर्णय को ही माना जाता है। तो आपने देख लिया बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग भी देखे तो केंद्र सरकार की तरफ हमारी शासन सत्ता झुकी हुई है, एकात्मक शासन की ओर हमारी सत्ता झुकी हुई है। इसके अलावा हमारे देश में बच्चों इकहरी नागरिकता है, एक ही नागरिकता, राज्यों को अलग अलग नागरिकता नहीं दी गई है। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता बच्चों। इसके अलावा हमारे राज्यों में ऐसे प्रशासक नियुक्त है जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वो कार्य राज्यों में करते हैं। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की तुलना में उतनी पावरफुल नहीं है। तो राज्य प्रशासन की विशेषताओं में सबसे पहली बात यही आएगी कि राज्य प्रशासन केंद्र प्रशासन की तुलना में कमजोर है। कई प्रशासक जो अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा चुने जाते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यों में की जाती है, केंद्र पर निर्भर है। और आपातकाल, जब आपने देखा भी होगा 3 आपातकाल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आपातकाल 3 स्थितियों में लागू होता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो आपातकाल के समय जो है समस्त देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। राज्यपाल के दिशा निर्देशों के आधार पर राष्ट्रपति समस्त देश की शासन व्यवस्था को संभालता है। संविधान संशोधन भी, ज्यादातर संविधान संशोधन संसद करती है। केवल राज्यों से संबंधित संशोधनों में आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, संविधान संशोधन देख लो, महाभियोग देख लो, इसके अलावा आपातकाल के समय देख लो, तो ज्यादा पावरफुल केंद्र सरकार है। इसके अलावा अपने वित्त संसाधनों के प्रति भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहती है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी बजट पर आधारित होकर राज्य सरकारें अपना बजट प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर बात साफ होती है बच्चों कि राज्य प्रशासन केंद्र प्रशासन की तुलना में उतना पावरफुल नहीं है। और ये आपकी बुक में भी बच्चों
दिया हुआ है। आप इसको एक बार जरूर पढ़ना और मेरे वीडियो को साथ में देखते रहना। आपको कक्षा 12th की राजनीति विज्ञान का जो ये मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्या बताया मैंने आपको? इसमें यही बताया था कि हमारे देश की राजनीति का जो प्रमुख होता है, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसी पॉइंट के ऊपर अपन आते हैं। आज जो अपना पॉइंट है बच्चों, वो है राज्यपाल। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के बारे में तीन अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए बच्चों। राज्यपाल समस्त राज्यों में होगा, ये कहता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान होगा, और अनुच्छेद 155 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसका मतलब हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल ही आपातकाल के समय राज्य में संवैधानिक तंत्र जो चल रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी सूचना समय समय पर केंद्र सरकार को देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है कौन? राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल का जो स्थान है, केंद्र में जो स्थान राष्ट्रपति का है बच्चों, वही स्थान राज्यों में राज्यपालों को प्रदान किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर राज्य विधानमंडलों में कानून बनना है उसमें राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए, अगर संसद में राज्य विधानमंडलों में अधिवेशन बुलाने हैं तो राज्यपालों की आवश्यकता पड़ती है, बजट प्रस्तुत करना है तो राज्यपाल की आवश्यकता पड़ती है। तो राज्यपाल को वही पावर दिए गए हैं जो केंद्र में किसको दिए हैं? राष्ट्रपति को दिए हैं। हालांकि आज हमारे देश में बच्चों सबसे बड़ा जो मुद्दा बना था, पहले भी बना है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव। राज्यों के जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति के चुनाव है, उनसे संबंधित कई विवाद उत्पन्न हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी भारतीय राजनीति में जो राज्यपाल के पद की बात आई थी, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं में कुछ निर्माता ऐसा चाहते थे कि हमारे जो राज्यपाल को जो नियुक्त किया जा रहा है वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारा देश राज्यों का संघ है और ये कहता है कि राज्यपाल के पद के लिए उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही उसको चुना जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा देखो बच्चों अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि राष्ट्रपति समस्त देश की संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है और अपनी सलाह के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 73(1), जबकि 75 हमारा संविधान का अनुच्छेद कहता है 75। इसके अलावा हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 163 है वो ये कहता है, क्या कहता है, कि राज्यपाल को सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। तो राज्यपाल राज्यों में संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, वो अनुच्छेद 163(1) के अनुसार सलाह लेने के लिए या अपने आदेशों को क्रियान्वित करवाने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकता है, ये कहता है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री बहुमत दल का नहीं है तो स्वय विवेक के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है। इसके अलावा मान लो विधानमंडल ने कोई ऐसा विधेयक पारित कर दिया जिसमें राज्यपाल अपनी स्वीकृति नहीं देना चाहता तो वो राष्ट्रपति जी के पास भी पहुंचा सकता है। और राजस्थान की अगर हम बात करें बच्चों तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं गुरुमुख निहाल सिंह। अब बात आती है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल का जो पद है उसके लिए क्या क्या मान्यताएं हैं वो देखिए बच्चों। हमारा संविधान ये नहीं कहता कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता, लेकिन ज़्यादातर जो अनुशंसाएं भी आई है राज्यपाल को लेकर के, जो विवाद खड़े हुए उनके लिए जो सुधार समिति आई उनके सुझावों को अपनाया गया,
और उन सुझावों के आधार पर कहा गया, बच्चों क्या कहा गया, राजमन्नार आयोग आया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई। इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर कहा गया कि एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में भी लगाया जा सकता है। बात रही उनके वेतन भत्तों की, तो दो राष्ट्रपति तब उसके वेतन का क्या करता है, निर्धारण करता है। और बच्चों राज्यपाल पद के लिए एक और परंपरा का शुभारंभ हुआ है कि राज्यपाल जिस राज्य का होता है उस राज्य का राज्यपाल उसको नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा और भी कई परंपराएं हो गई है कि विपक्षी पार्टी का जो नेता होता है उसको उसी राज्य में विपक्षी पार्टी के रूप में नहीं होना चाहिए, पक्ष वाली पार्टी का व्यक्ति ही राज्यपाल के पद पर रखा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि राज्यपाल का जो पद होता है बच्चों वो क्या होता है, संवैधानिक पद होता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की जो केंद्र में स्थिति है वही स्थिति राज्यों में किसकी है, राज्यपाल की है। तो राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल के संबंध में सरकार या आयोग, सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि राज्यपाल के संबंध में सरकार या आयोग ने क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उसने कहा था कि राज्यपाल के रूप में मनोनीत व्यक्ति को कार्यकाल के बाद पुनः लाभ के पद पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र में जिस दल का शासन हो उससे संबंधित व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल के पद पर नहीं लगाया जाना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए, ये कहना था आपका सरकारिया आयोग का। और सरकारिया आयोग की कई बातों को हमने स्वीकार भी किया। तो क्या था सरकारिया आयोग के सुझाव, वो देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों सरकारिया आयोग ने क्या क्या कहा अपने सुझाव में। सरकारिया आयोग ने कहा कि जो राज्यपाल जो मनोनीत किया जा रहा है, जिस राज्य में राज्यपाल को मनोनीत किया जा रहा है उसको पुनः लाभ के पद पर नहीं रखा जा सकता। लाभ के पद पर उसको नहीं रखा जाना चाहिए, मतलब वो मुख्यमंत्री बाद में नहीं बन सकता, किसी भी लाभ के पद को वो आजीवन धारण नहीं कर सकता बच्चों। इसके अलावा राज्यपाल के बारे में कहा कि राज्यपाल जो है केंद्र में जिस दल का शासन है उस दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, ये भी सरकारिया आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा। और कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो वहां के मुख्यमंत्री से क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये है कि हमारे देश में जो राज्यपाल का पद है उसके लिए जो है राज्यपाल के पद के लिए जो सरकारिया आयोग आया उसने अपनी जो रिपोर्टें दी उन रिपोर्टों में के आधार पर आज हमारे देश में राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। अब कई लोग कहते हैं कि राज्यपाल को मनोनीत क्यों किया गया, राज्यपाल को मनोनीत करने के पीछे क्या कारण रहे बच्चों। तो राज्यपाल को हमने क्या किया, मनोनीत किया। क्या किया, मनोनीत किया। तो राज्यपाल को मनोनीत किए जाने के पीछे क्या क्या कारण रहे ये बात भी हमारे सामने आती है। तो पहला कारण था बच्चों संसदीय शासन प्रणाली। क्या था, संसदीय शासन प्रणाली, ये पहला कारण रहा राज्यपाल को मनोनीत किए जाने के बाद। कारण ये था कि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही क्यों चुनता है, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। तो पहला कारण रहा है संसदीय शासन व्यवस्था। उसके बाद जो दूसरा कारण रहा है बच्चों वो है कि राज्यपाल को नाम मात्र, पहला था बहुमत नहीं हो, राज्यों में बहुमत न होने पर अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है, दल बदल की प्रवृत्ति। चौथा है क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना
देखो पहला कारण है संसदीय शासन व्यवस्था, क्योंकि केंद्र में जो व्यवस्था थी वही राज्यों में स्वीकार की गई। दूसरा था राज्यों में अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिल रहा तो राज्य के राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक के आधार पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दल बदल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी तो उस दल बदल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, उसके संवैधानिक दायरे में लाने के लिए किसकी शुरुआत हुई, राज्यपाल के पद को मनोनीत किया जाने लगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिसके कारण भी जो है बच्चों क्या किया गया, राज्यपाल को मनोनीत किया गया। बच्चों तो राज्यपाल को मनोनीत किए जाने के पीछे कई कारण रहे, उसमें पहला कारण मैंने बताया संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा राज्यों में बहुमत दल न होने पर राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग करना, तीसरा दल बदल की प्रवृत्ति और चौथा क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना। ठीक है बच्चों, अब है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं, वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए और वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को नियुक्त किया जाता है। एक बार ही राज्यपाल एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, बार बार उसको राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। ये हमारे देश की कुछ परंपराएं हैं। एक अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य का निवासी नहीं होता है, ये हमारे राज्यपाल के संबंध में कुछ परंपराएं हैं। आगे के वीडियोस में हम राज्यपाल के पावर्स के बारे में देखेंगे, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों तो राज्यपाल की शक्तियों को पूरा समझने के लिए, देखने के लिए आप मेरे नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। धन्यवाद।